वडाला स्थित चानन वोकेशनल सेंटर में चानन एसोसिएशन फॉर एमआर चिल्ड्रन की ओर से दिवाली के शुभ अवसर पर श्री सुखमणि साहिब की पाठ का आयोजन किया गया। इस पाठ का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना और उनके विकास के लिए समाज में जागरूकता फैलाना था। इस अवसर पर श्री सुखमणि साहिब सेवा सोसाइटी लेडीज ग्रुप की नगमा मक्कड़ मुख्य रूप से उपस्थित रही। नगमा मक्कड़ ने वोकेशनल सेंटर के लिए ठंड से बचाव के लिए 2 हीटर और खाना गर्म करने के लिए 1 हीटर भेंट किया। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को उपहार भी दिए और अमरजीत सिंह आनंद के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। भूपेंद्र मक्कड़ ने भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए चानन एसोसिएशन के अध्यक्ष उपिंदर कौर और उनकी टीम के कार्यों की प्रशंसा की। अध्यक्ष उपिंदर कौर ने बताया कि दिव्यांग बच्चों ने दिवाली के लिए विभिन्न सजावटी सामान जैसे रंगीन दिए, डांडिया, करवा चौथ के ट्रे सेट आदि तैयार किए हैं, जिन्हें प्रदर्शनी के माध्यम से बेचा जाता है। इस अवसर पर सेक्रेटरी मनीष अग्रवाल, तेजपाल, डॉक्टर कुलदीप सिंह, अरविंदर सिंह, दविंदर सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।